नमस्कार दोस्तों, विशाल आयुर्वेद अमृत नाम में मैं डॉक्टर विशाल शिवारे आप सभी का सहृदय से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ाएंगे आपको भावना द्रव्य, भावना द्रव्यों की भावना, क्या समझते हैं आप भावना से। देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है भावना, जो अक्सर आयुर्वेद के कई स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न पैदा करता है कि भाई, कई वैद्य कहते हैं जब मेडिसिन बनाते हैं कि इस द्रव्य की भावना दे दो, सात भावना दे दो, ये भावना का अर्थ क्या है। इसलिए आज ये कंफ्यूजन आपको दूर कर दूंगा, ये भावना क्या कहलाता है और द्रव्यों की भावना हम कैसे देते हैं। तो शुरू करते हैं। रसतरंगिणी में कहा गया है, यच चूर्ण तस्य धात्वा द्वे द्रव्ये संपेश्य शोषणम भावनम तस्मतम विज्ञे भावनाम च निगतते। इसका अर्थ दोस्तों ये है कि किसी भी औषध द्रव्य को, किसी चूर्ण क्वाथ या किसी भी द्रव्य के साथ हम उसको मर्दन करें खरल में, और मर्दन करने के साथ बार बार उसको सुखा लें। जब औषध की मात्रा को सूख जाएगी तो वह एक भावना उस द्रव्य की कहलाएगी। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए अब बताता हूँ दोस्तों, जैसे अपन ने ये खरल लिया, खरल लेने के बाद अपन ने इसके अंदर थोड़ा कुछ औषध डाली, इस कदम को क्वाथ डाला हमने चूर्ण के साथ, फिर इसको मर्दन किया। मर्दन करते 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 जब ये औषध की मात्रा सूख जाएगी तो ये एक भावना कहलाएगी। ये समझाने के हिसाब से मैंने आपको एक प्रैक्टिकल करके बताया है। तो दोस्तों, ये होती है भावना। तो इसको हम इस चीज़ को हम भावना कहते हैं। हम किसी भी औषधि को लें, उसको और दूसरी औषधि के साथ मर्दन करें जिसकी भावना देनी है। जैसे तफला की भावना दी जाती है, तफला क्वाथ की। ये धातुओं पे भी दोस्तों, जब रस औषधि में धातुओं किसी भी हम तफला क्वाथ की बहुत ज़्यादा भावना देते हैं, तफला की देते हैं, त्रिकटू की देते हैं, और बहुत सारे ऐसे क्वाथ हैं, क्वाथ द्रव्य हैं, और बहुत सारे चूर्ण हैं जिनकी भावना दी जाती है। तो ये कहलाता है भावना, यानी हमने किसी भी औषध द्रव्य के संग किसी और चूर्ण की औषध द्रव्य को उसको बार 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 घुमाने के बाद उस चूर्ण जब तक सूख ना जाए, जब तक वो सूख ना जाए, इस पर दोस्तों ये बात ध्यान रखना, सूखने के बाद उस द्रव्य की एक भावना कहलाएगी। ऐसा 7 बार करो, 8 बार करो, 10 बार करो, जितनी भावना शास्त्रों में बताई गई है उतनी भावना देनी पड़ती है। इससे गौ औषधि का गुणदान, यानी उस भावना देने से उस औषधि के गुण उसमें आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हमारी औषधि बनती है। अब दोस्तों, सवाल उठता है कि भावना द्रव्य जो है, भावना द्रव्य आपको किस प्रमाण में लेना चाहिए, किसके साथ लेना चाहिए, क्वाथ के साथ क्या लेना चाहिए, आपका चूर्ण के साथ क्या लेना चाहिए, द्रव्य के साथ क्या लेना चाहिए, ऐसे अलग अलग प्रमाण रस तरंगिणी में बताए गए हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ। द्रवेण यवता द्रव्यम चूर्णतम त्रामताम भजेत तावानेव द्रव्यो द्रवे विषग भावना विदो भाव्या द्रव्यामितः क्वाथ्यो जलमुष्ट गुणम तत् वसवंश शोषित क्वाथे द्रये क्वाथेन भावने। किसी भी औषध चूर्ण को भावना देनी हो तो उस चूर्ण में उतना द्रव्य औषध द्रव्य डालना चाहिए कि वह चूर्ण गीला होकर लुगदी जैसा बन जाए। दोस्तों देखो, ये लिखा हुआ है लुगदी जैसा बन जाए, यानी बिल्कुल लुगदी ऐसे आटे टाइप का बन जाए। यदि किसी औषध द्रव्य क्वाथ की भावना देनी हो तो औषध द्रव्य के समान मात्रा में क्वाथ औषध का यवकूट चूर्ण को लेकर उसमें 8 गुना, जैसे जलमुष्ट अगुणम लिखा था ना, 8 गुना जल मिलाकर पाक करना चाहिए। तो यहाँ पे 8 गुना जल की बात की गई, और जब जल 1/8 भाग शेष रह जाए तो उसे छानकर पाक कर क्वाथ चूर्ण को, औषध द्रव्य चूर्ण को डालकर भावना देनी चाहिए। ये इसके अंदर विशेष रूप से रस तरंगिणी में स्पेशल बताया गया है कि किसकी कितनी मात्रा में अपन को औषधि द्रव्य लेना चाहिए। और दोस्तों, चूर्ण के लिए स्पेशल रूप से कहा जाता है, ज़्यादातर हम चूर्ण में द्रव्य डालते हैं कोई भी द्रव्य, तभी उसकी भावना, ज़्यादातर हम औषधियाँ वैसे ही बनाते हैं। तो चूर्ण जो है उसमें अगर कोई शास्त्रों में प्रमाण नहीं दिया गया कि भी इसमें कितनी भावना का कितना द्रव्य लेना है, अगर स्पेशल रूप से नहीं दिया गया, दोस्तों हम किसी भी चूर्ण में उतना द्रव्य डालेंगे जितना कि वो चूर्ण डूब जाए और तब उसको मर्दन करेंगे। तो ये भावना का सबसे बड़ा कंसेप्ट है जो आपको याद रखना आवश्यक है। तो दोस्तों, अब आप लोगों को भावना पूरी तरह समझ में आ गया होगा कि क्या भावना क्या चीज़ होती है। अब मैं और भी परिभाषाएं आपके सामने लाऊंगा और आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।